بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہی ہوں. اور ادھر ارسلان اٹھا ہوا ہے، ابھی بچا رہا ہے کام. ارسلان ادھر تیاری کر رہا ہے جانے کی. ارسلان سلام تو کر دو. سلام تو کر دو. السلام علیکم. ابھی ایسا کیا اس لیے ایسی ہے کہ بولے نہیں پاتا، گلا خراب ہے، بخار اس کو ہوا ہوا ہے، آج تو گلا خراب ہوا ہوا ہے. ابھی میں نے کہا چلو کچھ دنوں بعد، کافی دن ہو گئے ارسلان سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی، تو اس سے ملاقات کروا دوں. یہ تو ابھی جا رہا ہے کام پہ اور احتشام یہاں پہ سو رہا ہے. یہ لو، یہ جاتے ہوئے دوائی لے لینا، دوائی لے کے پھر جانا. ڈبے پلاسٹک کے لے کے آؤ گے؟ ارسلان ہو رہا ہے نکلنے کی تیاری ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ. موٹر میں نے چلائی تھی، اس کا بھی کام کرنا ہے. ٹنکی بھر گئی ہے، سبزی کوئی دیکھ رہی ہوں کیا لوں. جو تو سارا کچھ دیکھا تو گوبھی صحیح لگی ہے، لگی تو صاف ہے. اب دیکھتی ہوں کیا لوں. یہ کس سے لگائی ہے؟ 120 روپے کلو. یہ دیکھو کتنی ہے، آدھا کلو، کلو میں آدھا پاؤ کم ہے. کتنے پیسے اس کے ہو گئے ہیں؟ 105 روپے دے دوں. چلو ٹھیک ہے، یہ دے دوں. اور اور بس مجھے کچھ لگتا ہی نہیں. سر ٹماٹر کس سے لگائے ہیں؟ ٹماٹر کلو 200 روپے کلو. چلو پھر دیکھتی ہوں، ابھی کچھ سبزی لے لوں، پھر ملتے ہیں. یہ تو لے لیے آلو گوبھی اور مولی ایک لیے. چلو میں نے کہا آج ابھی پھر میں نے جو سبزی لی ہے ابھی نکالی ہے، ادھر رکھی ہے. اور پھر ناشتہ بنایا ہے، ابھی ناشتہ کیا ہے اور ان کو بھی ناشتہ دیا ہے. یہ بھی ابھی تیار ہو رہے ہیں جانے کے لیے ڈیوٹی پہ. اور ادھر تو میں نے وہ گھی نکالا تھا تو گرم کر کے اس کے اوپر رکھا ہے، میں نے کہا چلو نکل جائے، باقی کام پڑے ہوئے ابھی کرنے. پھر اب اس کے دایا دادا وہ نکل رہے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، آج تھوڑا جلدی چلے گئے تھے، آج لیٹ ہو گئے ہیں. اچھا یہ ایک چیز اور ہے میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یو پی ایس کی بیٹری عارش کے دادا ابو لے کے جا رہے تھے، جو اتاری تھی خراب ہو گئی تھی، وہ بیٹری ہماری آ گئی ہے اور لگ بھی گئی ہے ادھر، اور اس میں نہیں ہے. یہ خالی ہے ڈبا، یہ خالی ہے اور ادھر یہ لگ بھی گئی ہے. یہ اس دن میں گھر پہ نہیں تھی جس دن انہوں نے لائی ہیں، لگائی ہے.
एक चीज़ और, क्योंकि हम एक चीज़ को बहुत मिस करते हैं। इधर जो कमरा है ना, ये सुनसान पड़ा हुआ है, ये इधर आरिश नहीं है, तो हम आरिश को बहुत मिस करते हैं। और इसके दादा वो खास करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रात को आप आते हैं तो बहुत गु़स्सा होते हैं कि आरिश नहीं है। तो चलें अभी फिर देखते हैं बाकी काम, बाकी फिर इससे देखते हैं, इससे एक और काम लेते हैं क्योंकि खाली है। तो इधर इसके दादा बू ने निकाली थी पेंटें वगैरह, चलते हैं तो फिर जब इसमें ये रखते हैं रख के, तो फिर मिलते हैं। चलें फिर ये रखते हैं इधर। एक साइड पर रखते हैं पेंटे और इधर रखते हैं शर्टे। ये इसमें अंदर आ गई है पूरी। ये फिर इधर रख दिए सारे चीज़ें भी समेट दी हैं। ये सफाई करते करते देखती हूँ थोड़ा सा। इसको भी ना मैंने कहा काट दूँ, आप मैं करो को भी। ये इसको मैं धो लूँ फिर दिखाती हूँ। ये भी हो गया, ये बिल्कुल हो गया जी साफ सुथरा। बहुत सारा चिकनाई जमी हुई थी इसमें काफ़ी ज़्यादा, आधा घंटा मुझे लग गया। अभी भी इसके ऊपर से सही साफ़ नहीं हुआ, ऊपर से अभी रह गया कि मुझे सही नज़र नहीं आता ऊपर से साफ़ करते हुए, लेकिन नीचे भी इसी तरह चिकनाई थी। ये जो 60 साइडों पे, इंचाइजों पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा चिकनाई थी। तो ये हो गया साफ, तो ये मैंने ऐसे भी कर लिया है साफ हो गया। तो प्लेट भी इसकी धो दी है, ये निचड़े अभी पानी से निचड़ जाए तो फिर इसके बीच में रखते हैं, अभी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ये भी हो चुकी है खुश्क, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अब इसको मैं रखती हूँ।
टाइम हो चुका है 5, तो मैं एहतिशाम के लिए नाश्ता बना लूँ, तो फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद एहतिशाम को उठा के। एहतिशाम को उठा के चूल्हा चूल्हा जला के चाय बना के चलो सारा नाश्ता बना के फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद तैयार होने के बाद। अभी मैं इसमें से मलाई निकाल लूँ। ये क्या मैंने स्टॉप की है, नहीं हो रही। नाश्ता तैयार हो गया जी एहतिशाम का। तो अरसलानी एहतिशाम का जी। पहले तो प्याज डाल दी, टमाटर काट लूँ। टमाटर काट के सब्जी वगैरह मैंने सारी काट ली है, सब्जी वगैरह सारी काट ली है, धो दी है। तो ये टमाटर काट लूँ, प्याज ब्राउन होता है तो फिर मैं आपसे। इधर लहसुन भी पीस दिया है, टमाटर भी कटे हुए हैं और अदरक और सब्जी भी इधर धो के रख दी है, साफ सुथरी हो गई है। और प्याज हमारा ब्राउन नहीं हुआ, थोड़ा सा अगर हल्का सा हरी और ब्राउन हो जाए। और इधर दूध उबल रहा है, दूध इधर रखा हुआ है। दूध की तरफ मेरा ध्यान हो गया, मैं तो चूल्हा काम कर दूं। पहले मैंने नमक थोड़ा सा डाल भी दिया है, लहसुन भी डाल दिया, पाइप को भी ब्राउन होने देंगे। डाल दिया टमाटर इसमें, थोड़ा सा इसमें लगाते हैं पानी।
कितनी देर बनता है ना, मसाला तैयार होता है, टमाटर देते हैं। ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पहले आलू और गोभी के डंडल हैं, तो ये थोड़ा सा भून के और इसको थोड़ा सा रखूँगी पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक, इसको हल्की आंच पे रखूँगी और ये जब पक जाएंगे थोड़े से हल्के से गल जाएंगे तो फिर मैं उसमें डालूँगी फूल गोभी के, फूल बिल्कुल थोड़ी देर पर रखने हैं, उसके बाद चूल्हा फूल नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा रख के पर दम लगाना, फूल बाद में डालूँगी, अभी बस ये मैंने डाल दिए हैं। क्या निकल रही हो? अरे ये मैं फूल डाल लूँ, एक मिनट जा रहा है, अल्लाह हाफिज, सलाम दुआ कर लिया कर, नजर ही नहीं आ रहे आप, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये फाइनली लुक आ रहा है जी गोभी तैयार होने का, गोभी को अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस इसको अभी मैंने बस चूल्हा बंद करना है, एक मिनट और रखूँगी ढक्कन, बस चूल्हा बंद कर दूँगी, मैंने कहा था थोड़ा एंड वाला थोड़ा सा दे दूँ, फिर साफ सा आ रहा है सीन। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, पहले मैंने कर दिया था खुदा हाफिज, लेकिन वो कहीं मिस हो गया, ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, तो चलें देखें, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें वो सब्सक्राइब करें ज़रूर, और वाच टाइम पूरा करें मेरे चैनल का देखें, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।